नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है, मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं सबसे पहले सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें, जहाँ से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे हों तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मन चाहा विवाह चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में घिरे हुए हों, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही शीघ्र आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमारे को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है, आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है, मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हों, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप को वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले, अगर आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है आपको, तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठते हैं, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठें और उठकर स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहाँ से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, अगर सूर्यदेव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्यदेव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और सूर्यदेव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए, तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको स्नान, अगर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं घर से, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरें। उसके बाद ही आपको सूर्यदेव को जल देना है, साफ स्वच्छ जल भरकर, और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए, और आप तभी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है जल की, तो वो आपके पैरों पे उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए, स्मरण करते हुए जल देना है।
इस प्रकार से आप सूर्यदेव को जल दें। और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण, ओम ब्रह्म स्वरूपिणो श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं, और थोड़ा सा झुक कर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको जल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो धार गिरती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जो जल की धार गिर रही है उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए, और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहें तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहें तो तीन परिक्रमा कर सकते हैं भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए। जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको एक बार या तीन बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण कि सूर्यदेव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, और सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हों पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहें तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना भी रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप नंगे पैर रहें, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं, चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो आ रहा है उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श, मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी दो उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपके तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प उसमें डालें, और रोली लेनी है आपको, कुमकुम या रोली, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का, जिस भी मंत्र से आप जल दे रहे हैं, इस मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे सूर्य देव की कृपा आपको उतनी अधिक प्राप्त होगी, और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति का, धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र में जल लें, और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है, पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए, और हल्दी का पाउडर, ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें, और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है, और ये आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना, अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें, और ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है, और मन चाहे जीवन साथी की कामना या फिर शीघ्र विवाह की कामना से आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें आपको थोड़ा सा रोली लेना है, अक्षत लेना है, और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली,
ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है, और इस उपाय से, इस तरह से जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प डालकर अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, और सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों, समस्याओं से घिरे हुए हों, कोई रास्ता न मिल रहा हो, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही शीघ्र आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।